हेलो नमस्कार जी, आप सभी का यूट्यूब चैनल एजुकेशन नॉलेज टी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी? जी हां, आज हो चुकी है 25 मार्च 2024। सुबह सुबह आप सभी के लिए लेके आए हैं बहुत ही बड़ी खुशखबरी। जी हां, आप सभी को सबसे पहले रंगों के त्यौहार होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जी हां, आज रंग खेलने वाली होली है और आप सभी को उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को मैं बताऊंगा किस प्रकार से मोदी सरकार ने आप सभी के बैंक अकाउंटों में जारी किए हैं 1-1 हज़ार रुपये। किन परिवारों के बैंक अकाउंटों में 1-1 हज़ार रुपये जारी किए गए हैं, किन के बैंक अकाउंटों में पैसे पहुंच पाए हैं, किन को अभी नहीं मिल पाए हैं, ये भी आपको बताऊंगा। जी हां, गरीब परिवारों को दी गई है मोदी सरकार की तरफ से बहुत ही बड़ी खुशखबरी। उसके साथ साथ बीपीएल राशन कार्ड पर बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है। अब पेट्रोल आपको 75 रुपये प्रति लीटर, वहीं LPG गैस सिलेंडर 300 रुपये का ही मिलेगा। कब से मिलेगा ये भी आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, अंत तक देखें। उससे पहले अपने गांव, शहर, राज्य का नाम कमेंट करें कहां से वीडियो देख रहे हैं, ताकि आने वाली जितनी भी इंफॉर्मेशन वाली वीडियो हो जिसका आपका फायदा हो, सबसे पहले आपको वीडियो मिले भाई। सबसे पहले हम बात करेंगे, प्रत्येक गरीब परिवार को मोदी सरकार ने बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। जी हां, आपको मैं बताया था पहले ही कि होली पर 1-1 हज़ार रुपये की जो राशि है वो मोदी सरकार जारी करेगी, जिनके पास भी ई श्रम कार्ड बना हुआ है। ध्यान दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2021 में ई श्रम कार्ड को लॉन्च किया था। ई श्रम कार्ड के जरिए गरीब परिवारों को सीधा बेनिफिट दिया जा रहा है। आपको मैं बता दूँ, मोदी सरकार ने होली के पावन त्यौहार को देखते हुए 1-1 हज़ार रुपये की जो राशि है ई श्रम कार्ड धारकों के बैंक अकाउंटों में भेजी है। जी हां, आप अगर ई श्रम कार्ड धारक है तो आपके पास भी 1-1 हज़ार रुपये की जो राशि है वो पहुंचाई गई है। तकरीबन हम बात करें तो करोड़ों लोगों को लाखों करोड़ों रुपये का फ़ायदा सीधे तौर पर पहुँचाया गया है। आपको मैं बता दूँ किन किन राज्यों में ये पैसा है ये जारी किया गया है। तो भाई, जहां पर भी बीजेपी की सरकारें हैं सबसे पहले तो वहां पर जारी किया गया है। उसके बाद पूरे देश भर के जितने भी लोग हैं उनको 31 मार्च तक उनके बैंक अकाउंट में जो पैसा है ये पहुंचा दिया जाएगा। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में जिनके भी ई श्रम कार्ड बने हुए हैं, मध्य प्रदेश में जिनके भी ई श्रम कार्ड बने हुए हैं, राजस्थान जिनके भी ई श्रम कार्ड बने हुए हैं, उनके बैंक अकाउंट में पूरा पैसा है ये पहुंचाया गया है। बहुत ही बड़ी खुशखबरी आप इसे मान सकते हैं और इसे होली का तोहफा भी आप मान सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करेंगे, मोदी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए बहुत बड़ा आदेश जारी कर दिया है। जी हां, आपको बता दूं काफ़ी सारे राज्यों में मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं आप सभी जानते हैं, और अप्रैल जो है उससे शुरू होकर के मई तक ये जो चुनाव है चलेंगे। 7 चरणों में लोकसभा के चुनाव चलने वाले हैं। इस बार अगर बीजेपी की सरकार, जी हाँ, एक बार फिर से सत्ता में आने में कामयाब होती है तो आपको पेट्रोल डीजल GST के दायरे में देखने को मिलेगा, और पेट्रोल डीजल पर तकरीबन 20 से 25 रुपए तक कम किए जाएंगे। हम बात करें तो पेट्रोल 70 रुपए से 75 रुपए के आसपास ही आपको मिलेगा। वहीं हम LPG गैस सिलेंडर की बात करें तो और सस्ता किया जाएगा भाई, यानी कि अब जिन राज्यों में 350 या फिर 400 रुपये का LPG दिया जा रहा है, लाभार्थी महिलाओं को जिनके पास उज्ज्वला का कनेक्शन है उनको आने वाले दिनों में अगर मोदी की सरकार एक बार फिर से सत्ता में आती है तो आपको और रुपये सस्ते हुए देखने को मिलेंगे। यानी कि हम बात करें तो LPG आपको अब 300 रुपये का ही देखने को मिल सकता है। जी हाँ, वही मैं आपको बता दूँ, जिन राज्यों में LPG गैस सिलेंडर फ्री में दिया जा रहा था होली के पावन त्यौहार को देखते हुए, वो स्कीम अब 31 मार्च तक कर दी है भाई। अभी भी अगर किसी ने LPG गैस सिलेंडर को रिफ़िल नहीं करवाया है होली पर जो फ्री में LPG दी जा रही थी, तो भाई होली ज़रूर चली गई है लेकिन अभी भी 31 मार्च तक होली के इस त्यौहार के इस जो स्कीम थी इसका फ़ायदा लाभार्थी महिलाएं उठा सकती हैं जिनके पास भी उज्ज्वला योजना का LPG गैस सिलेंडर है।
बहुत बड़ी खबर है। उसके साथ मैं आपको बता दूं और 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को एक बहुत बड़ी तोहफा अब मोदी सरकार ने दिया है। सभी बोर्डों को निर्देश जारी किया है कि जैसे ही आपकी एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं उसके तकरीबन 10 दिन के अंदर अंदर आपके रिजल्ट जारी कर दिए जाएँ। जी हाँ, क्योंकि कॉपी चेकिंग का जो कार्य है काफ़ी सारे राज्य के ऐसे हैं कि जिनके भाई एग्ज़ाम जैसे ही आज ख़त्म होते हैं आज ही के जो कॉपियाँ हैं वो जाँच केंद्र पर पहुँचा दी जाती है और जाँच करने में जो अध्यापक है वो जुटे हुए हैं, लगातार आपकी कॉपी चेकिंग की जा रही है। रिजल्ट की बात करें तो बिहार बोर्ड ने सबसे पहले अपना रिजल्ट जारी किया था, अब उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद अपना रिजल्ट जारी कर सकता है। बहुत बड़ी खबर है। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं ये अप्रैल के पहले हफ्ते में आपका रिजल्ट जारी करने की तैयारी कर रहा है। अगली बड़ी खबर की ये भी बड़ी ही महत्वपूर्ण है, अगर आपके पास BPL का राशन कार्ड है तो आज आपको क्या तोहफा दिया गया है BPL पर। भाई आपको मैं बता दूं BPL के जितने भी लाभार्थी हैं जिन्होंने जनवरी 2024 और 15 फरवरी तक फॉर्म भरा था, भाई आपको मैं बता दूं लगातार इसके भी कमेंट आ रहे थे कि सर हमारे जो फॉर्म भरे हुए तकरीबन 45 दिन भी हो चुके हैं लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई थी। आपको बता दूं फ्री बिजली योजना 2024 जो कि प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत फॉर्म भरे गए थे उन्होंने अभी भी फॉर्म भरे जा रहे हैं। जिन्होंने फॉर्म भरे थे उनको अभी तक भी उनके घरों की छतों पर सोलर पैनल नहीं लगाए गए थे। तो भाई आपको बता दूं आज से सोलर पैनल लगाने का जो कार्य है वो किया जाएगा। लगातार मोदी सरकार ने सोलर पैनल के लिए तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को चिन्हित करने का फैसला लिया है, यानी कि 1 करोड़ लोग सोलर पैनल के साथ जुड़ेंगे। इनको मोदी सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा बेनिफिट और 300 यूनिट तक की बिजली भी इन्हें फ्री मिलेगी। उसके साथ साथ 15,000 रुपये सालाना कमाने का मौका भी इन्हें दिया जा रहा है, यानी कि मोदी की सरकार आपको ये जो फ़ायदा ये देगी। भाई तकरीबन आपको बता दूं अगर सत्ता में एक बार फिर से मोदी सरकार आती है तो तकरीबन जितने भी गरीब परिवार हैं उनकी जो बिजली वह यूज करते हैं सभी सोलर पैनल से ही यूज करेंगे। उनकी घरों की छतों पर सोलर पैनल ही लगे रहेंगे, ऐसा नहीं होगा कि जो सामान्य बिजली उनके घर आती है उनका पैसा उन्हें चुकाना पड़े। ठीक है भाई, ये बड़ा फैसला है। उसके साथ साथ BPL के राशन कार्ड पर बदलाव होगा 1 अप्रैल से, और भाई ये बदलाव भी बहुत ही बड़ा होगा। करोड़ों लोगों को BPL राशन कार्ड से बाहर भी किया जाएगा क्योंकि भाई बहुत सी ऐसी स्कीम मोदी सरकार लेके आई थी जो कि घोषणा पत्र में भी जारी की गई है और पहले भी लोगों को इसका नुकसान झेलना पड़ सकता है। जी हाँ, करोड़ों लोगों को BPL की सूची से बाहर किया जा सकता है, उनकी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से मिलने वाला जो अन्न है वो बंद हो सकता है। ये तो आने वाला समय बताएगा, मैं सबसे पहले आपको वीडियो बना करके बता दूंगा क्या कुछ बदलाव किए गए हैं। YouTube चैनल पे बने रहे, सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लिख ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, व्हाट्सअप पर, फेसबुक पर, जहाँ पर भी आपके दोस्त रहते हैं सभी के साथ शेयर कीजिएगा भाई, क्योंकि जितनी भी कल्याणकारी योजना आती है छोटी बड़ी केंद्र की राज्य की सभी जानकारी आपको मिलती है समय से पहले ही। धन्यवाद।